गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास टेंथ के बच्चों को द्विघात समीकरण को हल करने की से दो विधियों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़े थे। आज हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे और साथ ही साथ सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जब पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाते हैं। इसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ भी रहेगा उससे सबसे पहले भाग दे देंगे। उसके बाद से इसमें जो अचर पद रहता है उसको ले जाते हैं दाहिने साइड में। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण में द्वितीय वर्ग पद को निकालते हैं। द्वितीय वर्ग पद को निकालेंगे और जितना मान आएगा उसी को दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब इसके बाद से जो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा वह पूर्ण वर्ग रहेगा। उसको पूर्ण वर्ग लिख करके वर्गमूल ले लेंगे और वर्गमूल लेने के बाद से जिस चर का मान निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण का हल मिल जाएगा। तो द्विघात समीकरणों में पूर्ण वर्ग बनाने की दो स्थितियाँ होती हैं। पहला स्थिति यह होता है जब मध्य पद दिया रहता है, और दूसरा स्थिति यह होता है जब मध्य पद नहीं दिया रहता है। मतलब द्विघात समीकरण में कोई भी द्विघात बहुपद, पहले सुना दे, कोई भी द्विघात बहुपद रहेगा तो उसमें तीन पद होंगे। तो आइए देखते हैं, पद होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रथम वर्ग पद और इसको बोलते हैं द्वितीय वर्ग पद, और यह जो टर्म है इसको बोलते हैं मध्य पद। सवाल में प्रत्येक स्थिति में प्रथम वर्ग पद दिया रहेगा। अब हो सकता है द्वितीय वर्ग पद दिया हो और नहीं तो मध्य पद दिया हो। एनसीईआरटी में जितने भी सवाल हैं उसमें सब में द्वितीय वर्ग पद हमको निकालना पड़ेगा। तो द्वितीय वर्ग पद कैसे निकाला जाएगा उसका फार्मूला हम लिखे हैं, अभी सब बता रहे हैं। प्रथम वर्ग पद दिया रहेगा और मध्य पद दिया रहेगा, तो कैसे जानेंगे कि कौन वर्ग पद है और कौन मध्य पद है? तो देखेंगे जिसका दो घात रहेगा वह वर्ग पद रहेगा, और जो चर दो घात में है वही चर जहाँ एक घात में रहेगा वह पद हो जाएगा मध्य पद। उसके बाद से जब तीसरा पद जो दिया रहेगा वह हो सकता है द्वितीय वर्ग पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है तो उसी से काम चला लेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग द्वितीय वर्ग पद निकालेंगे। दूसरी स्थिति यह होती है कि वह सवालों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहता है या 2ab यानी कि मध्य पद नहीं दिया रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, मध्य पद ज्ञात करते हैं और उन सवालों को हल कर लेते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, तो उस तरह का प्रॉब्लम जब यह चैप्टर ख़त्म होगा तो हम उस तरह का प्रॉब्लम अलग से बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग द्वितीय वर्ग पद कैसे निकालेंगे, एक बटे दो मध्य पद में चर का गुणांक बटे, एक बटे दो मध्य पद में चर का गुणांक पूरे का होल स्क्वायर। सपोज दैट आपको एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स दिया हुआ है, इसको पूर्ण वर्ग बना करके प्लस थ्री इस तरह से दिया हुआ है, बराबर दिया। पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम कहें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाएंगे, तो एक तो यहाँ पर है ही, उसके बाद चर पद को ले जाएंगे राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। अब यह हो गया प्रथम वर्ग पद और यह हो जाएगा मध्य पद, तो द्वितीय वर्ग पद कैसे निकलेगा, द्वितीय वर्ग पद एक बटे दो लिखेंगे, द्वितीय वर्ग पद बराबर एक बटे दो मध्य पद में चर का गुणांक, यहाँ पर जो चर है उसी का गुणांक देखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का गुणांक देखिए पाँच है, तो यहाँ पर गुणे में पाँच लिखेंगे और पूरे का वर्ग कर देंगे। अब जितना आएगा वही चीज़ जोड़ देंगे और वही चीज़ दोनों तरफ जोड़ेंगे, या तो दोनों तरफ जोड़ेंगे नहीं तो वही चीज़ जोड़ेंगे और घटाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। और यह वाला प्रॉब्लम हम बताए हैं। तो आइए हम लोग द्विघात का जो मानक समीकरण होता है उसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हल को निकालना है, का हल हमको मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का हल हमें निकालना है पूर्ण वर्ग बना करके, यानी कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसको पहले पूर्ण वर्ग बना करके उसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसको हल करने की दो विधियां हैं। एक विधि को कहते हैं सृजराचार्य विधि और दूसरी विधि होती है उमर खयाम विधि। तो NCERT में उमर खयाम विधि का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग उमर खयाम विधि ही प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन आसान पड़ेगा। और सृजराचार्य विधि में बहुत याद करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या किससे, उसका प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है। तो हम लोग उमर खयाम विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो उमर खयाम विधि में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाया जाता है, तो हम लोग भी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही बनाएंगे। उसके बाद से अचर पद को दूसरे साइड में ले जाया जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बनाने के लिए क्या करेंगे, ए से भाग देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय ए, वी गेट, या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या बी बाई ए एक्स हो जाएगा प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, अचर पद जहाँ पर चर नहीं है, यहाँ भी चर है यहाँ भी चर है, तो इसको ले जाएंगे राइट साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं हमको प्रथम वर्ग पद मालूम है और मध्य पद मालूम है, तो हम द्वितीय वर्ग पद निकालेंगे, द्वितीय वर्ग पद इसी तरह से सवाल को लगाएंगे, एक बटे दो मध्य पद में चर का गुणा और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो एक बटे दो रहेगा और मध्य पद में चर का गुणांक डी वाई ए है पूरे का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में जोड़ देंगे, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समीकरण एक में डी बाई टू ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, तो जोड़ने देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब इस साइड में जब यह जोड़ेंगे तो यह पूरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और यह तो कैसे जानेंगे किसका किसका वर्ग वर्ग है, तो जरा देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो चीज़ें दो घात में हैं उन्हीं के योगफल का वर्ग है, तो यहाँ पर यह दो घात में है यह दो घात में है, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए जोड़ दीजिए, और यहाँ पर जरा देखें यह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे फोर ए का स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब हमारा सोलूशन बहुत जल्दी आ जाएगा, देखें एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा तोड़ें लघुत्तम ले लें, तो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर ए स्क्वायर से फोर ए स्क्वायर में भाग देंगे, एक आएगा एक का ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से भाग देंगे फोर आएगा फोर ए का ऊपर गुणा कर देंगे फोर ए सी हो जाएगा। अब क्या करें, हम वर्गमूल ले लें, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लिया जाएगा तब क्या होगा, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर वर्गमूल लिया जाएगा, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लिया जाएगा तो दो घात खत्म हो जाएगा, बी बाई टू ए हो जाएगा बराबर, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस आता है, जैसे 16 का वर्गमूल जब लेते हैं तो यह आता है प्लस माइनस 4, इसी तरह से यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे
फोर ए स्क्वायर, तो देख रहे हैं फोर भी पूर्ण वर्ग है, फोर का वर्गमूल, ये पूरा वर्ग ऊपर नीचे है, तो इसका चार का वर्गमूल दो हो जाएगा और ए स्क्वायर का एक हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, चार का मान निकालना है, तो एक्स वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट ओवर, हर का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर माइनस बी लघुत्तर में जोड़ दें प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टी टू ए। यह प्रोसेस है किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करने का, यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो ऐसे ही पूर्ण वर्ग बना करके हल किया जाएगा, इसे सिद्धराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। यदि सवाल में कहेगा कि सूत्र से हल कीजिए तो पूर्ण वर्ग बनाने वाला हो गया, तीसरी विधि है सूत्र से हल करने का, तो तीसरी विधि सूत्र से हल करने का, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट एक कैपिटल डी बटे टू ए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी के बारे में अभी तुरंत एक मिनट के बाद आप लोग पढ़ेंगे। डी को समीकरण का व्युत्क्रम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको इन इस विधि को और इस सूत्र को प्रयोग करके अगले प्रश्नावली को लगाएंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ए बी सी के बारे में लिख लें, ए और बी सी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, जहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, अचर पद है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यह फार्मूला याद रखेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई टू ए, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ए बी सी याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। द्विघात मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए उसके जो गुणांक हैं उनके बीच एक संबंध होता है जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसी को द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम कहा जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, यह बताएगा कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं हैं, कब उसके मूल बराबर होंगे, कब अलग अलग होंगे और कब वास्तविक नहीं होंगे, यह सब इस मूल इस संबंध के सहायता से हमको पता चलता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। विव्यक्तिकर मानक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को समीकरण का विव्यक्तिकर कहते हैं, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। विव्यक्तिकर यह निर्धारित करता है कि किसी समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है, जहां डी बराबर होता है विव्यक्तिकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, और सी अचर पद है। अब विव्यक्तिकर के आधार पर मूलों का निर्धारण, मूलों का निर्धारण का मतलब यह है कि मूलों की प्रकृति का निर्धारण, मूलों के प्रकृति का निर्धारण। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के
व्यक्त कर डी के लिए, जहाँ डी बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, अब जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालेंगे, कोई भी समीकरण रहेगा उसके गुणांक निकाल करके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकालेंगे, तो क्या क्या आ सकता है, या तो पॉजिटिव नंबर आएगा, या तो जीरो आएगा, नहीं तो निगेटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तब क्या होगा, जीरो आएगा तब क्या होगा, और जब निगेटिव नंबर आएगा तब क्या होगा, यही इसी के आधार पर यह संबंध बताएगा कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं नहीं है। तो ये देखते हैं, यदि डी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा है, अर्थात पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है, यह बात ध्यान रखेंगे हम लोग। यह भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं, तो यह थोड़ा सा कंफर्टेबल बच्चे फील करते हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग, दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और अलग अलग भी होंगे, जिनका मान माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए से प्राप्त होगा, जहाँ पर डी का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। अब इसको अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़े हैं, इसको सिद्धराचार्य का सूत्र कहा जाता है, या होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए हम रूट ओवर डी लिखे हैं, दोनों का मतलब एक ही है, जल्दी से याद हो जाएगा। अब यदि डी बराबर जीरो हो तब क्या होगा, तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, जिनका मान माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए के बराबर होगा। और यदि डी का मान जीरो से छोटा है, यानी कि निगेटिव नंबर है, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, या तो कहेंगे कि समीकरण के मूल अवास्तविक हैं।